यानी 22 जुलाई तिरंगे को संविधान सभा द्वारा वर्तमान स्वरूप में स्वीकार किया गया। इस महत्वपूर्ण दिन आप सभी को सरकारी सेवा के लिए ज्वाइनिंग लेटर मिलना, ये अपने आप में बहुत बड़ी प्रेरणा। प्रभावशील और सक्षम नागरिक सुविधाओं का संदेश दे रही है। सुशासन और समावेशी विकास की इसी यात्रा के संदेश को सबकी एक नई सोच, एक नई अप्रोच और एक नई पहचान। इन 9 सालों में मोदी सरकार ने युवा शक्ति के लिए रोजगार के ये जो भी योजनाएं आपको खुद भी और जनता को भी उसे जोड़ना है। बहुत बहुत धन्यवाद। जब ये योजनाएं गरीब तक पहुंची तो गरीबों का मनोबल भी बहुत बड़ा। डॉक्टर मनसुख मांडविया जी, श्री नरहरि अमीन जी, श्री हसमुख पटेल जी, एकदम मेरिट ना आधार पर। दोस्तों, सरकार पासे आपने बीजी कोई अपेक्षा होती नहीं, कोई सरकार पासे अपेक्षा नहीं राखतू के तमे आकाश मधी तारा तोड़ी ने हमने आपी दो ने। आप अत्यारे युवानो आवे छे के बे मार्क्स माटे रही गयो, परंतु तमने कई कहेवानो मतलब नहीं, कारण के हुं मेरिट मां नहीं हो एटले रही गयो हर्ष। आवी मानसिकता इतला माटे बनी कि मोदी जी हमेशा मेरिट ने प्राधान्य आपे, लागवक ने नहीं, पैसा ने नहीं। अने इतला माटे दोस्तों, आजे जे युवानो नौकरी प्राप्त करी रहा छे एमने, एमना परिवारजनों ने शुभेच्छाओं पाठवू छूं, साथे साथे अपेक्षा राखू छूं, जे रीते इंटीग्रिटी साथे, पारदर्शिता साथे सरकारनी अने देशनी सेवा करवानो युवानोने जयारे मौको मळी रह्यो छे, त्यारे दोस्तों आटली मोटी ऑपोर्चुनिटी बीजी कोई न होई शके। पारदर्शिता साथे तमे दोस्तों काम करशो तो हुं मानुं छुं के तमे देशनुं कल्याण करवामां पण भागीदार बनशो, तमने पोताने सेटिस्फेक्शन पण थशे। नेशन फर्स्ट, देश पहला। अने ए निर्णय हुं मोडो लऊं ने अथवा तो मारा विवेकाधीन निर्णयनो दुरुपयोग करूं ने, दोस्तों देश ने नुकसान। 10 लाख नौकरी देने के संकल्प को सिद्ध करने के लिए देश भर के अलग अलग स्थानों में लाखों युवाओं को नियुक्ति पत्र दिए गए और इसी कड़ी में एक और नया अध्याय है आज का रोजगार मेला। Thank you.
डिपार्टमेंट, चौधरी श्रद्धाबेन नाथूभाई. हेलो एवरीवन, माय सेल्फ डॉक्टर मेहुल कालिया. राइट नाउ आई गॉट ऑर्डर फ्रॉम श्री नरेंद्र मोदी जी एज अ माय एसोसिएट प्रोफेसर इन डिपार्टमेंट ऑफ जनरल मेडिसिन इन राजकोट एम्स. दिस इज़ द फर्स्ट टाइम दैट वी गो इनटू द गुजरात. इट इज़ ऑल्सो बिकॉज ऑफ श्री नरेंद्र मोदी. सो आई वॉन्ट टू थैंक्स श्री नरेंद्र मोदी जी फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी. थैंक यू. यस, मोदी जी हैज़ गॉट अ लार्ज विजन to give this opportunity to all, not all, but most of the youths through the Rozgar Mela. So all feel happy regarding this. So again, thank you, Sri Narendra Modi ji. Pahle more or less irregular job opportunity available thi. So we have to see the lot of newspaper, lots of website to get the opportunity for availing jobs. But right now, it is a very much transparent. So we can get the job easily. Department. मेरा नाम डॉक्टर कोमल कुमार जांगिड है. मेरी नियुक्ति एम्स राजकोट में एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर हुई है. इससे पहले मैं सूरत में एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर और प्राइवेट में भी काम करता था, लेकिन अब भी मुझे ये मौका मिला कि एम्स के अंदर नियुक्ति आई और मैंने अप्लाई किया और मेरा सिलेक्शन इसमें हो गया. मैं बहुत खुश हूँ और अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ. धन्यवाद. जो ये मोदी जी का जो इनिशिएटिव है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है अपने देश के लिए और बहुत ही प्रशंसनीय कदम है, ताकि युवाओं को रोज़गार मिले और उनकी उनके भविष्य उज्जवल हो. तो इसलिए मैं मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ. देखिए, एम्स एक नाम ही काफ़ी है एम्स क्वालिटी के लिए. प्राइवेट में हालांकि वो क्वालिटी होती है, बट एक प्रकार से एम्स का जो कल्चर है वो हम सब सब जो मेडिकल फील्ड है वो सबसे अच्छा है, सबसे अपडेटेड वर्जन होता है एक प्रकार से देखा जाए. तो मुझे मौका मिल रहा है कि एम्स में काम करने का, इसलिए ये मच मच बेटर देन प्राइवेट सेटअप है, मैं तो ये मानता हूँ. और मेरे को ये मौका मिला और मैं इस मौके को बनाऊँगा. हेलो, मेरा नाम चांदनी है और मेरी एज 22 है. मैंने अभी अभी ग्रेजुएशन, एक साल पहले ग्रेजुएशन ख़त्म किया था और मैंने एक साल प्रिपरेशन की बैंकिंग की और अभी मैं सौराष्ट्र ग्रामीण बैंक में एज ए ऑफिसर लगी हूँ. मैंने 6 मंथ में एग्ज़ाम दी और मेरे 6 मंथ में ही ज्वाइनिंग भी हो गई और अभी मैं मेरी जॉब भी स्टार्ट हो गई है. सौराष्ट्र ग्रामीण बैंक में द्वारका में पोस्टिंग है. पहले मैं यहाँ अहमदाबाद से हूँ. मैंने कॉमर्स बैकग्राउंड से ग्रेजुएशन किया है और फिर बैंकिंग की प्रिपरेशन एक साल की और बाद में मेरी एक साल की प्रिपरेशन में ही जॉब लग गई, क्योंकि एकदम फेयर प्रोसेस थी जो भी थी, वो इंटरव्यू ट्रेनिंग और बाकी सब भी एकदम फेयर हुआ. कोई भी किसी भी तरह की चीटिंग या कुछ भी नहीं था. बाकी सब फेयर, सिर्फ एग्ज़ाम की जो फीस थी उसके सिवाय कुछ भी नहीं और एकदम फेयर प्रोसेसर से मेरा सिलेक्शन हुआ. पहले मैंने तो कॉमर्स से ग्रेजुएशन किया, 3 साल ग्रेजुएशन की. बाद में ये कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी की 1 साल और 1 साल में ही मेरा सिलेक्शन हो गया. फैमिली में मेरे फादर जो है वो टीचर है और मेरी मदर जो है वो होम मेकर है. मेरी जो जॉब लगी वो इतने कम समय में मैंने प्रिपरेशन की और मेरी जॉब लग गई, वो सब मोदी सरकार के वजह से हुए. उन्होंने जितनी रिक्रूटमेंट दी और वो जो 10 लाख जॉब देने की उनकी जो योजना है, उनके कारण ही मेरी और हम सब दोस्तों की जॉब लगी है. उसके लिए मैं मोदी जी को थैंक यू कहना चाहूँगी. नहीं, मैंने सोचा था कि 1 साल दूंगी मैं कॉम्पिटिटिव जो भी एग्ज़ाम है उनको, बाद में मैं किसी प्राइवेट सेक्टर में या कहीं भी जॉब कर लूँगी, क्योंकि मुझे लगा नहीं था कि 1 साल में इतने फेयर तरीके से मेरा सिलेक्शन हो जाएगा. मतलब जो अभी सरकारी जो भी रिक्रूटमेंट आ रही है उन सब में एकदम प्रोसेसर जो है वो एकदम फेयर है और सबका रिक्रूटमेंट एकदम ईजीली हो जा रहा है. तो उसके लिए मैं मोदी जी को थैंक यू कहना चाहूँगी. मेरा नाम साहिल त्रिवेदी है. मुझे सौराष्ट्र ग्रामीण बैंक में ना एज ऑफिसर स्केल 1 पोरबंदर में पोस्टिंग मिली है. मेरा ये ना रोजगार मेले की वजह से ना बहुत जल्दी ना प्रोसेस हुआ, वो ना अच्छा रहा.
और रोजगार मेले की वजह से ना माननीय ना मनसुख मांडविया सर से ना मुलाकात हुई, वो भी बड़ी बात है हमारे लिए। और मोदी सर ने ये साल ना 10 लाख जनों को है ना ये इसके ना रोजगार मेले की ना वजह से ना नौकरी मिली है, वो बहुत अच्छी बात है। मेरे पे है ना पापा है ना टेक्सटाइल का बिजनेस करते थे, तो मैं उसमें ही ना पापा के बिजनेस के साथ में थोड़ा काम का हाथ बढ़ा देता था और ना कर रहा था। पर अभी है ना ये जॉब के बाद है ना एक सरकारी जॉब मिली है तो पापा मम्मी बहुत खुश है और अब बहुत ही ज़्यादा खुश है। मोदी सर का काम ऐसे भी बहुत अच्छा है, उन्होंने ये 10 लाख नौकरी, स्टार्टअप इंडिया, उनकी स्कीम से इतनी अच्छी है तो और ना कोई कहने का सही नहीं है। मोदी सर ने गुजरात में बहुत है ना अच्छा है ना इम्प्रूवमेंट किया है उन लोगों ने, और ये रोजगार मेला और ये सब तो इम्प्रूवमेंट उनका बहुत ही अच्छा है। 10 लाख नौकरी दे रहे, उसमें भी 70,000 नौकरी आज 22 जुलाई को वो दे रहे, तो बहुत सही है। उनके लिए मैं बहुत थैंकफुल मोदी जी का। पहले ऑफिस का ही होता था, अनमेरिड हूँ मैं एक्चुअली, तो पहले ऑफिस का ही चलना पापा के ना वो ऑफिस का ही चलता था, वही काम चल रहा था, वही चल रहा था। पर ना खुद की जॉब लेना वो मेरे लिए बहुत अच्छी बात है, और वो भी गवर्नमेंट जॉब उसमें भी वो मेरे लिए बहुत अच्छी बात है। और मोदी सर ने इतनी अब है ना वैकेंसीज आ रही है गवर्नमेंट में, वो मेरे लिए बहुत सही है। मेरा नाम आयुषी शाह है और मेरा सिलेक्शन प्रोबेशनरी ऑफिसर सौराष्ट्र ग्रामीण बैंक में हुआ है। मैं एक साधारण परिवार से आती हूँ और मेरा एक बैंकिंग सेक्टर में सिलेक्शन होना मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। इसे मेरी ये सिलेक्शन बहुत एक फेयर एंड फास्ट प्रोसीजर था, इसलिए मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद देना कहना चाहती हूँ कि इतना फास्ट एंड फेयर प्रोसीजर से जल्दी ज्वाइनिंग भी हो गया। इससे मेरी ज़िंदगी में बहुत बदलाव आएंगे, मुझे फिनेंशियली इंडिपेंडेंट बनाएगा और मेरे परिवार की भी मदद होगी। इस धन्यवाद। पहले मैं इन्हीं परीक्षा की कोशिश कर रही थी, बट जब से नरेंद्र मोदी जी आए तब से मेरी सिलेक्शन फास्ट हो गया, इसलिए जल्दी सिलेक्शन हो गया और चयन भी हो गया। मैं उन्हें आभार कहना चाहती हूँ कि उन्होंने इतना फेयर और जल्दी जो नियुक्ति करते हैं वो एक प्रक्रिया को जल्दी कर दिया। पहले बहुत देर लगती थी बट अब बहुत जल्दी होने लगा है और जॉइनिंग भी जल्दी होने लगा है, इसलिए मैं उनका धन्यवाद कहना चाहती हूँ। वो ज़रूर करके दिखाएंगे, वो तो है, श्योरी है कि वो ज़रूर करके दिखाएंगे, क्योंकि अभी भी मैंने खुद उस चीज़ को देखा है कि वो कितना जल्दी कोशिश कर रहे हैं कि सबको नौकरी मिल जाए, सब ऊपर आए, अपलिफ्ट हो सब लोग।